मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, दिल्ली वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी प्रचंड आवाज से बोलिए कि नागरिकता कानून संशोधन का जो विरोध कर रहे हैं उनके कान के पर्दे फट जाएं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दिल्ली में सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के हर बूथ से आए हुए मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों, आज ये दृश्य बता रहा है कि फरवरी के अंत में दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, ये दृश्य बता रहा है। आज मेरे सामने मीडिया के मित्र यहां खड़े हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि भई ये जनता नहीं है, हमने दिल्ली की जनता को यहां नहीं बुलाया है, बूथ के मेरे चुनिंदा सेनापति को बुलाया है जो चुनाव लड़ने वाला है। और ये जो माहौल है पूरे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर, वो बताता है कि हमने 13,750 बूथों से चुन चुन कर शेर जैसा दिल रखने वाले कार्यकर्ताओं को यहां एकत्रित किया है। मित्रों, मीडिया वाले जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पूछते हैं दिल्ली में क्या होगा, मैं आज आप सबके सामने जवाब दे देता हूं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये मीडिया वाले, मीडिया के मित्र मुझे ये भी पूछते हैं कि अमित भाई आधार क्या है, लास्ट टाइम तो आपको यहां बहुत खराब बुरी तरह से आप हारे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि झांसा कोई किसी को एक ही बार दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। एक बार केजरीवाल जी ने दे दिया, उसके बाद में नगर निगम के चुनाव हुए, आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद में 2019 के चुनाव हुए, दिल्ली के 13,750 बूथों में से 12,064 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है। 88% बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी है। मैं आज कहना चाहता हूं दिल्ली के चुनावी इतिहास में एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, किसी पार्टी ने 88% बूथों पर चुनाव जीता है और 56% से ज्यादा सीटें मिली। सातों के साथ हमारे सांसद आज यहां बैठे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर जीते, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 5 लाख के मार्जिन से जीते। और आज यही कार्यकर्ता जिन्होंने एमसीडी भी जिताया, लोकसभा भी जिताया, आज मेरे सामने खड़े हैं। और मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि मैं उनके भरोसे कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, चुनाव बाकी दलों के लिए हो सकता है कि बाकी दलों के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का साधन हो,
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी। हम मानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, एक मौका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली के घर घर जाना, हर नागरिक को मिलना और हमारी बात, हमारी विचारधारा, हमारे सरकार के किए हुए कामों को उन तक पहुंचाना। मैं आपको कहता हूं, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों के लोकतंत्र का अभ्यास करा है, मैं आपको कहता हूं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो फौज खड़ी है, मैं उसका आह्वान करने आया हूं कि चुनाव सभाओं से नहीं लड़ना है, चुनाव घर घर जाकर लड़ना है, चुनाव छोटी छोटी मोहल्ला मीटिंग कर लड़ना है। और मैं आज आपको कह देता हूं, वो मोहल्ला मीटिंगों की शुरुआत मैं स्वयं करने जा रहा हूं। मैं ही पार्टी के अध्यक्ष के नाते 50, 100, 150, 200 लोगों की मीटिंग लेने की शुरुआत करूंगा। और जितने नेता बैठे हैं, जितने कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, काउंसिलर है, विधायक सांसद रह चुके कार्यकर्ता हैं, सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति दिल्ली का न छुप जाए जिसके पास नरेंद्र मोदी का फोटो और कमल का निशान लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना जाए। मोदी जी ने भारत माता के एक सच्चे सपूत नाते 5 साल में जो काम किए हैं वो लेकर हमने घर घर जाना है। मित्रों, दिल्ली के चुनाव का मुद्दा क्या है? ढेर सारे मुद्दे हैं, मगर दिल्ली में एक चर्चा बहुत चल रही है कि भई ये चुनाव 3 महीने की सरकार वाला चुनाव है या 60 महीने की सरकार वाला चुनाव। और मित्रों, चुनाव 60 महीने की सरकार वाला लड़ना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को भी कहता हूं, 60 महीने पहले आपने सरकार चुनी आप पार्टी की, उसके पहले 10-15 साल तक कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने क्या किया जरा हिसाब मांगिए उनसे। अभी अभी जनता के कल्याण के सारे पैसे अखबारों में एडवर्टाइज में देख रहे हैं, श्रीमान केजरीवाल का बड़ा बड़ा फोटो हम देख रहे हैं, ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, ये कर दिया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया, 5 साल हुए, समाप्त क्या किया वो तो बताओ जरा। अब 5 साल के बाद शुरू कर रहे हो, आपको भी मालूम है समाप्त नहीं करना है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, 5 साल से सरकार चली, उसने क्या किया ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरीवाल से। अभी ये जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उनको भी मालूम है पूरी नहीं करनी है, इसलिए कह रहे हैं। मित्रों, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमने कहा था कि अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाएंगे, लोगों को अपने घर का मालिक बनाएंगे। 2019 में कहा था, 19 समाप्त होते होते इस सरदार हरदीप सिंह पुरी यहां बैठे हैं, मोदी जी ने उनको आदेश दिया और उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत बनाने की शुरुआत कल रजिस्ट्री कर दी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अनधिकृत कॉलोनियों के 40 के 40 लाख लोगों तक आप जाइए और बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, सिख दंगे, सिखों पर जो नरसंहार हुआ 84 के 85 के अंदर, उसके अंदर 3300 से ज्यादा सिख भाइयों बहनों को कत्लेआम कर दिया। कांग्रेस की सरकारें उनके गांव पर मरहम नहीं लगाती। नरेंद्र मोदी सरकार आई, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे,
हर परिवार को ढूंढ ढूंढ कर 5 लाख का मुआवजा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और जो दो सीट थे वो भागते फिरते थे, उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे तिहाड़ में भेजने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर का नींव रखने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना केजरीवाल जी ने यहां लागू नहीं होने दी। नड्डा जी ने कहा प्रधानमंत्री पीएम जय योजना आयुष्मान भारत योजना भी लागू नहीं होने दी, फिर भी 35,000 झुग्गी झोपड़ियों के स्थान पर पक्का मकान देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने निभाया है। 160 जेजे क्लस्टर का सर्वे शुरू हो गया है। 85,000 झुग्गियों में रहने वाले दिल्ली के निवासी उसके मालिक बनेंगे, उनको वहां पक्का मकान मिलेगा। अतिरिक्त 184 झुग्गी समूह को भी हम करेंगे। द्वारका में भारत वंदना पार्क बनाया, साइकिल ट्रैक बन रहा है। अहमदाबाद में आपने साबरमती रिवर फ्रंट देखा होगा, ऐसा ही यमुना का रिवर फ्रंट जमुना जी के किनारे बन रहा है। मैं मेरे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, एक बार यमुना जी पर अगर रिवर फ्रंट बन जाता है, छठ पूजा करने के लिए आपको कोई अस्थाई सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों लाखों लोग वहां छठ पूजा कर पाएंगे। मित्रों, मेट्रो को बढ़ाने का काम किया, 116 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई, करीब 70 किलोमीटर नए रूट और बना रहे हैं, 112 किलोमीटर का लोकार्पण किया जा गया है, लगभग 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए करा। अमृत प्रकल्प के तहत 18 प्रकल्प 802 करोड़ के करे। एनटीपीसी का थर्मल प्लांट बाहर निकालकर हवा को शुद्ध करने के लिए बड़ा काम किया। रैपिड ट्रांसपोर्ट रेल योजना पर काम किया। डीडीए ने लैंड पुलिंग पास कर बहुत बड़ा काम किया। 80 गांवों को शहरी गांवों का दर्जा दिया। 80 गांवों में बिजली पानी की सुविधाएं भी पहुंचाई। ढेर सारे काम करें, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्योदय मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन हृदय, रेरा कानून, ढेर सारे काम कर रहे हैं। मैं केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं, हम तो हमारे काम लेकर जाएंगे, मगर भैया केजरीवाल आपने क्या किया जरा हिसाब किताब बताइए। तो आपने कहा था 20 कॉलेज बनेगी, मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, कॉलेज कहां गई मालूम नहीं पड़ती। 5,000 से ज्यादा स्कूल बनाने वाले थे, मैं चश्मा चढ़ाकर देख रहा हूं स्कूलें कहां गई मालूम नहीं पड़ता है। अस्पताल बनाने की बात करी थी, अंत में एक मॉडल का फोटो दिल्ली वालों को दिखा दिया, दिल्ली वालों को झांसा देना आप चाहते थे। तीनों नगर निगमों को 10,000 करोड़ रुपया की ग्रांट रोककर उनको फेल करने का षड्यंत्र किया, मगर मैं प्रशंसा करना चाहता हूं नगर निगम के हमारे भाइयों बहनों की, उन्होंने स्वच्छ दिल्ली का अभियान फिर भी अपने बूते पर चालू रखा है केजरीवाल का सहयोग न होने के बाद में। युवा फ्री वाईफाई की राह देख रहे हैं, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने थे उसकी भी राह देते हैं। अनुबंधित शिक्षक को पक्का करना था, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करना था, उसकी भी राह देख रहे हैं। प्रदूषण कम करने की जगह प्रदूषण आपने बढ़ा दिया, और हम जो देना चाहते थे उसमें भी आप रुकावट बने हो। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता अब आपको जान गई। मित्रों, अभी अभी प्रधानमंत्री जी सीएए को लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर
कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम किया। मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनीति के कारण दंगे कराए? और क्या बुराई ऐसी है? मैं आज सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो दलित शरणार्थी आए, गरीब शरणार्थी आए, सिख शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? 70 साल से महात्मा गांधी का वादा था, आपने पूरा नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आप देश की माइनॉरिटी को भड़का रहे हो कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। मगर मित्रों, मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं, इन लोगों ने एक झूठ का पुलिंदा किया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कहां अत्याचार हो रहा है। अरे केजरीवाल, आंख खोलकर देख लो, राहुल जी, सोनिया जी, आंख खोलकर देख लो, परसों ही नानकाना साहब के से पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को नानकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? मित्रों, ये लोग एक झूठ फैला रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के घर घर में जाना पड़ेगा, और इनको विरोध करने की आदत पड़ी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की आदत पड़ी है। हम धारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ, 35 से मत हटाओ। मुझे बताओ भैया, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? कश्मीर भारत माता का अभिन्न बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने धारा 370 हटाई, ये इसका विरोध करें। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटा दो, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है, मुस्लिम माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ट्रिपल तलाक मत हटाइए। राहुल बाबा उलझुल स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रियंका जी मैदान में आ जाती है, अभी अभी कहती है कि मैं दंगाइयों के साथ हूं, जिन्होंने दंगा कराया उनके घर पर जाकर उनको कहूंगी कि आपका कोई दोस्त नहीं। मित्रों, मुझे बताओ, आप सब, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि को बहुत समय से रोक कर रखी थी, कोर्ट में विरोध करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर राम जन्मभूमि बनने पर मंदिर बनना चाहिए। और मित्रों, देश के करोड़ों लोगों की, दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा है। देश के करोड़ों लोगों की इच्छा है, दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा है। दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा थी कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मुझे बताओ मित्रों, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
ये कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मित्रों, पुलवामा, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे जवान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खुर्दा खुर्दा बुला दिया। अरे राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं, केजरीवाल जी साबिती मांग रहे हैं। मुझे बताओ भैयो, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्रों, ये अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की ना बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ पाक तरफी युवाओं ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो चाहती है कि ऐसे लोग जो भारत के टुकड़े हो इसका समर्थन करती है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य श्री केजरीवाल अभी प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दे रहे। मित्रों, मुझे कहो, जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करे उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मित्रों, अभी अभी अंत में मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए, इसका भी विरोध किया। मैं आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, सारे दलित भाइयों बहनों के घर पर जाइए, सारे सिख भाइयों बहनों के घर पर जाइए, सारे शरणार्थी भाइयों बहनों के घर पर जाइए कि मोदी जी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए दलित सिख हिंदू सब शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहते हैं। और ये दलित विरोधी केजरीवाल और दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुझे बताओ, जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप इसके समर्थन में हो या नहीं हो? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर चालू करा है। यहां कितने लोग मोबाइल के साथ आए, जरा मोबाइल ऊपर करिए, सब लोग करें मोबाइल ऊपर, निकालिए जरा, सब लोग निकालिए। मैं एक नंबर दो बार बोलूंगा, 10 अंक का नंबर है, सबने डायल करना है। मैं बोलता हूं, आप बोलिए, और जनसंपर्क में भी जहां जहां जा रहे हैं वहीं से वो नंबर डायल कराना है। मैं नंबर जोर से बोलता हूं, 8 8 6 6 2, 8 8 6 6 2, डायल कर दीजिए। हो गया? मैं फिर से एक बार बोलता हूं, 10 अंक का नंबर है, दो बार 8 8 6 6 2 आएगा, दोनों बार दबाना है, 8 8 6 6 2, 8 8 6 6 2, दबा दिया सबने, तो आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गया है। भैया, आप सीएए के साथ हो, वो पहुंच चुका है। इस नंबर के लिए भी कल से अफवाहें फैलाई जा रही है, इस नंबर के लिए भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि नंबर नेटफ्लिक्स कोई चैनल है उसी का नंबर था। मित्रों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, ये नंबर कभी भी
नेटफ्लिक्स चैनल का नहीं था, ये शुद्ध रूप से सीए के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का नंबर है, नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का नंबर है। आप गुमराह मत आइए। भाइयों बहनों, मैं आज आपके अध्यक्ष के नाते आप सभी से कुछ मांगने आया हूं। मुझे बताओ, आप मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप दोगे या नहीं दोगे बताओ जरा। पहले जोर से बोलो, दोगे या नहीं दोगे? मित्रों, आज दिल्ली के सभी कार्यकर्ता है, उनका मैं आह्वान करना चाहता हूं कि चुनाव सभाओं से नहीं लड़ना है, ये सुभाव रैलियों से नहीं लड़ना है, ये चुनाव बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर से नहीं लड़ना है। ये जरूर लगेंगे, मोदी जी भी सभा करेंगे, नड्डा जी भी करेंगे, राजनाथ जी, नितिन जी भी करेंगे, मगर मैं आपके अध्यक्ष के नाते हर एक मोहल्ले में जाकर ग्रुप मीटिंग करने की शुरुआत करूंगा, हर एक घर को संपर्क करने की शुरुआत करूंगा। आप बताओ, आप लोग भी हर घर में जाकर नरेंद्र मोदी जी का संदेश पहुंचाओगे? जरा जोर से बोलो, पहुंचाओगे? केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करोगे? राहुल बाबा की देश विरोधी नीतियों को उजागर करोगे? जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए किया है वो बताओगे? केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया है उसको बताओगे? 20 साल से सरकार नहीं बनी है हमारी, 20 साल से। मैं आज आपको आह्वान करने आया हूं कि इस बार इतनी प्रचंड शक्ति का अनुभव कराइए कि 20 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फैल जाए, झंडा फैल जाए। मेरे साथ सभी लोग अपना हाथ उठाएंगे, हाथ उठाइए, जोर से हाथ उठाइए, और देश की रक्षा का संकल्प करकर मुट्ठी बीचे मुट्ठी, और प्रचंड आवाज से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।